हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीपीडिया। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग के बारे में, मीन्स मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंसेस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सेलिंग का फर्स्ट पॉइंट है, सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो सेलिंग का फर्स्ट पॉइंट है, सेलिंग में जो एम्फेसिस होता है वो प्रोडक्ट पे होता है, और जो मार्केटिंग में एम्फेसिस होता है वो कस्टमर वांट्स पे होता है। मींस कि सेलिंग में हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो देखा जाता है, मींस जो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है उस पर मेन एम्फेसिस होता है, और मार्केटिंग में कस्टमर क्या चाहता है उस पर फोकस किया जाता है। देन सेलिंग में सेल जो होता है वो प्राइमरी मोटिव होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बेचा जाना चाहिए बस, तो सेलिंग में उससे मतलब होता है, उसका प्राइमरी मोटिव ये होता है। और मार्केटिंग में सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर इज़ प्राइमरी, जो कि कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है, मीन्स जो कस्टमर खरीद रहा है उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, वो सेटिस्फेक्शन प्राइमरी रखा जाता है। मीन्स प्राइमरी उसका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है मार्केटिंग का। देन सेलिंग में फर्स्ट प्रोडक्शन, मीन्स पहले प्रोडक्शन किया जाता है, देन सेलिंग टेक्स प्लेस एट अ प्रॉफिट विदाउट नोइंग कस्टमर्स नीड। बिना कस्टमर की नीड जाने हुए पहले प्रोडक्शन हम करेंगे किसी भी चीज़ का, देन उसे हम सेल करेंगे एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ, बिना ये जाने, बिना ये सोचे समझे कि उससे कस्टमर की मीन्स नीड्स पूरी हो रही हैं कि नहीं, सेलिंग में ये ऑब्जेक्टिव होता है। और वहीं पर मार्केट का अगर देखें तो मार्केट में फर्स्ट कस्टमर्स नीड इज़ नोन, मार्केटिंग में पहले कस्टमर की नीड देखी जाती है कि कस्टमर को किस चीज़ की नीड है, देन उसका प्रोडक्शन किया जाता है, देन द प्रोडक्ट इज़ सोल्ड एट अ प्रॉफिट, फिर उसके बाद वो जो प्रोडक्ट है उसको प्रॉफिट के साथ बेचा जाएगा। सेलिंग जो होता है वो इंटरनल होता है, कंपनी का ओरिएंटेशन होता है इसमें। मार्केटिंग जो हमारा वो एक्सटर्नल होता है और मार्केट ओरिएंटेशन पे होता है, बेस्ड होता है। देन सेलिंग का नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनीज नीड इज़ द मोटिव, कंपनी की जो नीड है वो इसका मोटिव होता है, मेन इसका कंपनी की नीड पूरी करनी होती है। और मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो होता है मोटिव होता है बायर्स नीड इज़ द मोटिव, कि बायर की क्या नीड है वो इसका मोटिव होता है। देन सेलिंग जो होती है, कॉस्ट डिटरमाइंस द प्राइस, जो कॉस्ट होती है वो प्राइस डिटरमाइन करती है, बट मार्केटिंग में कंज्यूमर्स डिटरमाइन द प्राइस, कंज्यूमर्स जो होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी, डेट इज़ द प्राइस डिटरमाइनिंग कॉस्ट। यहाँ पर प्राइस जो होती है वो कॉस्ट को डिटरमाइन करेगी कि उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है। देन सेलिंग में, सेलिंग व्यूज़ द कस्टमर्स एज द लास्ट लिंक इन द बिज़नेस, सेलिंग में जो हमारा है वो कस्टमर उसकी लास्ट लिंक है बिज़नेस की, उस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, उस नज़रिए से देखा जाता है। बट मार्केटिंग में, मार्केटिंग व्यूज़ द कस्टमर्स एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिज़नेस, उसका मेन पर्पस ही मार्केटिंग का कस्टमर होता है, कि कस्टमर उसका मेन पर्पस है। देन सेलिंग में इट इज़ एन एक्टिविटी डेट कन्वर्ट्स गुड इन टू कैश, गुड्स इनटू कैश, यहाँ पर जो गुड्स होते हैं वो उसको कैसे कैश में बदला जाए वो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है, वो इसकी एक्टिविटी जो बेस्ड होती है वो यही रहती है। और मार्केटिंग में इट इज़ अ फंक्शन डेट कन्वर्ट्स द कंज्यूमर नीड्स इनटू प्रोडक्ट, मार्केटिंग में जो फंक्शन होता है, जो कन्वर्ट रहता है, मीन्स जो कस्टमर या कंज्यूमर की नीड होती है उसे हम कैसे प्रोडक्ट के वे में बदलें और उसे फिर हम मार्केट में लॉन्च करें, उसे हम कस्टमर को कैसे पेश करें, इसमें ये होता है। सो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस सेलिंग और मार्केटिंग, मीन्स मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में कुछ जो डिफरेंसेस थे, यही कुछ डिफरेंसेस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।